Hey guys, welcome back to the brand new video on this channel. This is Rahul Sharma and you're watching Gaming the Awesome YouTube channel. So guys, आज बात करने वाले हैं Nova Esports के बारे में and Pubg World Championship के बारे में, क्योंकि आपको सबको पता है कि कहा जा रहा है कि Chinese team enter कर रही है. So Nova की lineups के बारे में बात करूंगा and अभी बात करने वाले हैं कि Nova की कौन सी lineup यहाँ पे मतलब आ सकती है, क्योंकि rules के according देखा जाए so एक organization से only एक lineup खेल सकते हैं and Nova के पास यहाँ पे तीन lineup है. अभी basically तीन lineup के बारे में बात करेंगे, जो एक उनका चाइनीज लाइनअप है नोवा एक्सक्यूएफ, उसके बाद आता उनका नोवा गॉडलाइक के साथ जो पार्टनरशिप हुई थी सो भी नोवा का पार्ट है, एंड उसके बाद इनका अमेरिकन लाइनअप है एक जो एक्सक्यू गेमिंग था पहले बट अभी नोवा स्पोर्ट्स बन चुका है. बात गाइस इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती, किसी भी लाइनअप को यहां पे स्लॉट मिल सकता था अंटिल यहाँ पे चाइनीज टीम अभी एक्सक्यूएफ वाला लाइनअप आने वाला है नोवा का. सो वहां पे सारा मतलब सीन चेंज हो जाता है, क्योंकि गाइस वो बेस्ट लाइनअप है. अभी क्रॉन्टन का आपने मतलब स्टेटमेंट पढ़ा होगा, क्योंकि क्रॉन्टन ने बोला, अब मैंने जब बात करी थी नोवा वालों से कि भाई यहाँ पे सीन ये है कि अभी एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ही लाइनअप खेल सकता है अगर हम सारे लाइनअप या फिर दो लाइनअप क्वालिफाई कर जाते हैं, सो उसके बाद क्या सीन रहेगा. सो उन्होंने सामने से जवाब दिया कि भाई जो हमारा बेस्ट लाइनअप होगा उसको हम खिलाने वाले हैं. अभी गाइस मैं ये नहीं बोलता कि अपना नोवा गॉडलाइक का लाइनअप बेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, हमें पता है कि भाई वो अच्छा लाइनअप, बहुत अच्छा लाइनअप है, इंडियन लाइनअप है, हम उसी को सपोर्ट करेंगे. बट वहां पे चीज आ जाती है बिजनेस की. अभी बिजनेस में क्या रहता है गाइस, वो अपना बेस्ट लाइनअप खिलाएंगे अगर यहाँ पे सीन रहता है कि चाइनीज टीम्स नहीं होती. सो जो अमेरिकन लाइनअप है वो भी मतलब इतना अच्छा नहीं खेल कि गॉडलाइक से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है. सो वहां पे 50-50 चांसेस थे कि कोई भी टीम यहाँ पे खेल सकती है, जो वहां पे उस करंट टाइम में मतलब जो टाइम फ्रेम रहता है करंट टाइम फ्रेम उसमें जो अच्छा परफॉर्मेंस करती उस टीम को वो खिलाते. बट गाइस यहाँ पे अभी XQF का एंट्री होता है एंड XQF आपको पता है कि दुनिया का सबसे बेस्ट लाइनअप है PUBG Mobile में अब तक का, क्योंकि उन्होंने हर एक टूर्नामेंट में खुद को प्रूव किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रहते हैं. सो यहाँ पे ऑब्वियसली बात बन जाती है, 95% मैं श्योर हूँ कि भाई वही लाइनअप खेलने वाला है PUBG Mobile वर्ल्ड चैंपियनशिप में, क्योंकि ये बिजनेस एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए सो नोवा स्पोर्ट्स अपने लिए बेनिफिट चाहता है, एंड बेनिफिट उनके लिए कब आएगा, जब यहाँ पे नोवा XQF का लाइनअप खेलेगा एंड वो जीत के दिखाएगा. सो गाइस नॉर्मल सी बात है, उसके चक्कर में क्रॉन्टन ने साफ साफ बोल दिया था अगर हम यहाँ पे क्वालिफाई होते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सो हम नोवा से अलग भी हो सकते हैं, एंड मैं इनके डिसीजन के साथ मतलब बिल्कुल एग्री करता हूँ भाई, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप का स्लॉट है, ऐसा नॉर्मल सा स्लॉट कोई नहीं है कि उसको बंदा जाने दे. उन्होंने मेहनत करी है भाई, उनको अगर स्लॉट मिलता है वो वहां खेलने के लायक है तभी उनको स्लॉट मिल रहा है, सो उनको खेलना चाहिए इवन चाहे उनको नोवा से सेपरेट होना पड़े. सो ये नॉर्मल सी बात बन जाती है. बट गाइज एक चीज मैं आपके क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि अगर वहां से मतलब दो लाइनअप होते, ओनली दो लाइनअप होते, XQF को हटाए थे, नोवा XQF को हटाए थे, चाइनीज टीम नहीं आती वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो यहाँ पे नोवा गॉडलाइक यहाँ पे 50-50 था, 60-40 भी हो सकता था अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहता. बट अभी चाइनीज टीम आ रही है, XQF पक्का आएगा, XQF ही ये वाला टूर्नामेंट मतलब खेलने वाला है अगर नोवा गॉडलाइक भी यहाँ पे स्लॉट मिलता है नोवा गॉडलाइक को. सो दिस इज द सीन, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन से एक ही टीम खेलने वाली है एंड वो होने वाले यहाँ पे अगर सब कुछ सही रहा, अगर सब कुछ सही रहा सो वो नोवा XQF होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे गॉडलाइक को यहाँ पे बहुत कम चांसेस गॉडलाइक के कि इनको स्लॉट दिया जाए, एंड आई होप कि अगर गॉडलाइक को स्लॉट मिलता है सो वो सेपरेट हो जाएंगे नोवा स्पोर्ट्स से एंड खुद का अपना प्रूव करेंगे उधर, अपना मतलब गॉडलाइक से खेलेंगे एंड अपना प्रूव करेंगे, एंड दैट्स व्हाट आई वांट. क्योंकि गाइस ये अपनी लाइनअप है, इंडियन लाइनअप है, वी शुड सपोर्ट इंडियन लाइनअप. सो दैट्स इट, बहुत शॉर्ट सा वीडियो था गाइस, मतलब इतना लंबा मैं खींच नहीं पाया इस वीडियो को, बट कि बस मुझे आपको इतना इंफॉर्मेशन देना था कि ये वाला सीन हो सकता है. अभी क्रॉन्टन के स्टेटमेंट के बाद ये क्लियर हो जाता है कि भाई हम सेपरेट भी हो सकते हैं अगर अपने को स्लॉट मिला, सो ये सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि इनको भी पता है कि यहां पे ओनली XQF का नंबर आने वाला है, वही खेलने वाली है क्योंकि वो दुनिया की बेस्ट टीम है. सो गाइस बस इतना से वीडियो था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से यार लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लिया करो. यार देख रहा हूं कि बहुत कम बंदे नोटिफिकेशन बेल ऑन करते हैं. डिस्क्रिप्शन में एंड एक लिंक दे दूंगा प्रिंट कमेंट में दूसरे चैनल का, जो कि चाइनीज मोनेटाइजेशन का चैनल है, सो उसको जाके फॉलो कर लेना, वीडियो देखना डेली एंड उसका भी नोटिफिकेशन ऑन कर लेना. ओ गाइस थिंग्स मैन, पीस आउट, बाय बाय, टेक केयर.